हेलो गाइस, मेरा नाम है फारूक और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज और एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के पास। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो TVS Ntorq रेस एडिशन है ना, उसका फ्यूल गेज प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, जिस जिसके पास TVS Ntorq रेस एडिशन है उसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो गाइस, आज मैं एक सोल्यूशन लेके आ गया हूँ आप लोगों के पास। तो गाइस, सोल्यूशन बोल के कुछ नहीं, आप लोगों को आइडिया करना पड़ेगा। तो गाइस, चलिए देखता हूँ। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं TVS Ntorq रेस एडिशन की मीटर पे। तो फ्रंट राइट साइड में दिखा रहे हैं आपको फ्यूल गेज की सिग्नल। तो यहाँ पे 6 बार रहती है, 6 बार जब भी फुल करेंगे उसके बाद ही 6 बार दिखाएंगे। उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम होती है, जो 1-2 लीटर पेट्रोल ख़त्म होने के बाद ही वो फुल से एकदम 3 बार में आ जाती है। ठीक है, 3 बार आ जाने के टाइम आपको सोचना पड़ेगा, रहते हैं 3.3 लीटर पेट्रोल आपका हाफ में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका पेट्रोल गेज दिखाएगा फ्यूल एम्प्टी 1 गेज, तब भी आपको आपका पेट्रोल टैंक में 1.5 लीटर रहता है। ठीक है, उसके बाद जब रिजर्वर में पर गिर जाते हैं आपका पेट्रोल, 1 बार ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका टाइम आपका पेट्रोल टैंक में रहते हैं 1.1 लीटर। आपका 20 से 40 किलोमीटर आसानी से चल जाएगा। ठीक है। सो गाइस, हम लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हमारा और भी वीडियो अपलोड किया हूँ, माइलेज टेस्ट है कि टॉप स्पीड है, सो आई बटन में दिया है वो आप लोग चेक कर सकते हो। और 1K सब्सक्राइबर करीब है हमारे YouTube चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। तो गाइस, बाय, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए।